लॉगरिथम में ये जो फंडामेंटल लॉगरिथम आइडेंटिटी है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर इसका यूज होता है और हमें ये बात पहले से पता नहीं रहती है। फंडामेंटल लॉगरिथम आइडेंटिटी और कुछ नहीं, एक सिंपल सा फॉर्म है, एक की पावर में, ध्यान से समझिएगा, ए के पावर में लॉग एन टू द बेस ए है, ए की पावर में लॉग एन टू द बेस ए है। तो इस पूरे की वैल्यू एन आती है, इस पूरे की वैल्यू एन आती है। आप इसे नॉर्मल आप ऐसे समझें, हम जो है लॉग किसका देख रहे हैं, एन का, किस बेस के साथ, ए के साथ, और ये लॉग खुद उसी ए की पावर में चढ़ा है, यानी जिसके पावर में लॉग चढ़ा है वो और लॉग का बेस अगर सेम है तो इस पूरे की वैल्यू केवल ये एन बचती है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि आखिर ये कैसे हो गया। देखिए बहुत सिंपल है, इसका अगर प्रूफ देखना हो, बहुत ज्यादा सिंपल है इसका प्रूफ, हालांकि प्रूफ की जरूरत कुछ पड़ती नहीं है। प्रूफ करने के लिए लॉग ए, लॉग एन टू द बेस ए जो है, लॉग एन टू द बेस ए, इस पूरे को हमने एक्सलेट कर लिया। हमने एक्सलेट किसको किया है, लॉग एन टू द बेस ए को, यानी इस पूरे को अगर हमने एक्सलेट कर लिया तो ये क्या बन जाएगा, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एन, यही बनेगा। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए, लॉग एन टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स, ये हमारा एल्जेब्रिक फॉर्म है। इस एल्जेब्रिक फॉर्म को जब ये जो है लॉग एन टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स, ये हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म है। इस लॉगरिथमिक फॉर्म को जब हम एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एन, वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ था, क्योंकि इस पूरे को एक्स बोलने पर ये हमारा ए की पावर एक्स बना था और इसकी वैल्यू एन आई थी, वो तो यहां से भी आ रही है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि ए की पावर में लॉग एन बेस ए इज इक्वल टू एन होता है। यूज करते समय जब क्वेश्चंस वगैरह सामने आएंगे तब ध्यान से इस बात को समझिएगा कि लॉग जो है कहीं किसी के पावर में तो नहीं है, लॉग कहीं किसी के पावर में तो नहीं है। अगर पावर में है तो किसके पावर में है, क्या उस नंबर के पावर में है जो लॉग का बेस है? अगर ऐसा है तो ये ए लॉग ए पूरा हट जाएगा, लॉग हम देख किसका रहे थे, एन का, केवल एन बचेगा। आइए एक आध और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हो, ई की पावर में लॉग एक्स टू द बेस ई, ध्यान से देखिए ये लॉग जो है किसके पावर में चढ़ा है, ये लॉग वाला पूरा टर्म जो है ई की पावर में चढ़ा है, और इस लॉग का बेस खुद क्या है, ई है। क्या जिसके पावर में लॉग चढ़ा वो और लॉग का बेस, ये दोनों सेम है? जी हाँ, ये बिल्कुल दोनों सेम है, और अगर ऐसा है तो इस पूरे की वैल्यू ये एक्स आएगी। कहीं पर अगर लिखा हो टू की पावर लॉग सेवन टू द बेस टू, आप आंख बंद करके इस पूरे की वैल्यू को क्या लिखेंगे, सेवन। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी अभी हमने फंडामेंटल लॉगरिथम आइडेंटिटी पढ़ा। फंडामेंटल लॉगरिथम आइडेंटिटी हमें ये सिखाता है कि लॉग जिसके पावर में चढ़ा है, अगर लॉग का बेस भी वही है तो ये पूरा सॉल्व होकर केवल वो बचेगा जिसका लॉग हम देख रहे थे। यहां पर एक और चीज समझिए, एक और एग्जांपल, 1/3 की पावर लॉग 2 टू द बेस 1/3। लॉग जो है वो किसी के पावर में है, किसके पावर में, 1/3, और लॉग का बेस क्या है, ये भी 1/3 है,
यानी ये और ये तो जब सेम हो गए तो इस पूरे की वैल्यू वही आएगी जो लॉग के साथ थी, है। इसके बाद आप तीन छोटे छोटे डिडक्शंस हैं, यानी तीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, आप इनको याद रखिए। लॉग एन टू द बेस एन, इसकी वैल्यू वन होती है। लॉग एन टू द बेस एन, इसकी वैल्यू वन होती है। कहने का मतलब समझिए, लॉग हम किसका देख रहे हैं, एन का। कौन से बेस वाला लॉग है, एन का। यानी लॉग जिस नंबर का देखा जाए वो और लॉग का बेस अगर सेम हो जाए तो इस पूरे की वैल्यू वन होती है। कैसे वन होती है, आप इस लॉगरिथमिक फॉर्म को नॉर्मल एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करिए। कैसे करते थे, बेस की पावर में दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, यानी एन की पावर वन इज इक्वल टू एन। ये तो बात अपने आप में सही है, एन की पावर वन है तो ये अपने आप आएगा कितना, अपने आप में तो ये एन ही आएगा। सेकंड था लॉग वन बाई एन टू द बेस एन, या लॉग एन टू द बेस वन बाई एन। अगर कहीं पर लॉगरिथम में ऐसा कहीं आता है, इस पूरे की वैल्यू माइनस वन होती है, इस पूरे की वैल्यू माइनस वन। अब जरा इसे समझने का प्रयास करिए, यहां पर हम लॉग किसका देख रहे हैं, वन बाई एन का। बेस क्या है, बेस जो है एन है। अब ध्यान से देखिए, क्या ये एन और ये वन बाई एन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, है ना। यहां पर देखिए, बेस में हमारा वन बाई एन है और लॉग किसका देखा जा रहा है, एन का। क्या ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, बिल्कुल हैं। अगर ऐसा है तो हम आंख बंद करके इसकी वैल्यू कितनी बताएंगे, माइनस वन। केवल ये एन पर ही मत चलिएगा, एन की जगह कुछ भी हो सकता है। लॉग टू टू द बेस वन बाई टू, इसकी वैल्यू माइनस वन। लॉग वन बाई सेवन टू द बेस सेवन, इसकी भी वैल्यू माइनस वन। यानी लॉग जिसका देखा जा रहा है वो और लॉग का बेस अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों तो उसकी वैल्यू हमेशा माइनस वन आएगी। अगला चीज, लॉग वन टू द बेस ए इज इक्वल टू जीरो। अब इसे समझने का प्रयास करिए, हम लॉग किसका देख रहे हैं, वन का। किस बेस के साथ, ए के साथ। इसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो। कैसे होती है, आप इस नॉर्मल लॉगरिथमिक फंक्शन को एल्जेब्रिक फंक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो ए की पावर जीरो इज इक्वल टू वन लिखेंगे। अब सोचिए, ए की पावर जीरो, ए की पावर जीरो में आप ए की जगह कुछ भी रख लीजिए, पावर चूंकि जीरो है उसकी वैल्यू हमेशा वन आ जाएगी।